नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त केएन मौर्य और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल। हम हैं इस समय यूरोप की यात्रा पे। यूरोप में हम जा रहे हैं जुम्फ्रो, स्विट्जरलैंड में हैं हम। और स्विट्जरलैंड जैसा कि सपनों का शहर कहा जाता है, सपनों के शहर में हम जा रहे हैं जुम्फ्रो। जुम्फ्रो दुनिया की टॉप ऑफ द यूरोप का टॉप ऑफ द हिल स्टेशन है जहाँ पे हम यात्रा कर रहे हैं। और यहाँ से आपको जुम्फ्रो रेलवे अपना पासपोर्ट देता है, टिकट के साथ पासपोर्ट आपको मिल जाते हैं मेमोरीज के लिए। और ऊपर का टेम्परेचर ये बताते हैं कि लगभग माइनस में होता है, माइनस दस या ये सब। ये देखिए पहाड़, बर्फ से आच्छादित पहाड़, और पहाड़ों के बीच से जब आपकी ट्रेन टॉय ट्रेन की तरह, ट्रेन जैसे इंडिया में हम टॉय ट्रेन कहते हैं, वो जब ट्रेन गुजरेगी तो आप रोमांच से भर उठेंगे। लगभग 2 घंटे का 1.5 घंटे का सफ़र है जुम्फ्रो जाना, जहाँ से हम लोग चढ़े हैं वो जुम्फ्रो जाने के लिए। और 11,333 फीट की ऊंचाई पे है। यदि स्विट्जरलैंड का आप जब भी प्लान करें तो दो जगह अपने यात्रा में, स्विट्जरलैंड की यात्रा में दो जगहों को जरूर ऐड करें। एक टिटिल्स और दूसरा है जुम्फ्रो। टिटिल्स को यदि आप देखें तो वहाँ पे जितने कपड़े आपके पास हैं वो गर्म कपड़े, वो शायद कम पड़ जाएंगे, -20 के आसपास टेम्परेचर होता है। क्योंकि टिटिल्स जो है 10,000 फिट की ऊंचाई पे है और वहाँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि शूटिंग, अधिकतर शूटिंग टिटलिस में हुई है। और ये जो आप हम जा रहे हैं जुम्फ्रो जो है जो कि टिटलिस 10,000 फीट की ऊंचाई पे है, और जबकि जुम्फ्रो की बात करें तो 11,333 फीट की ऊंचाई पे ये हिल स्टेशन है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन दुनिया, आप सर्च करेंगे यदि जुम्फ्रो को तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। और इसके साथ साथ जुम्फ्रो जब भी आप आएंगे तो आपको यहाँ टिकट के साथ साथ एक पासपोर्ट दिया जाता है। देखिए जैसे मैं ये पासपोर्ट आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं जुम्फ्रो रेलवे पासपोर्ट टॉप ऑफ द यूरोप इस पर लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ बर्फ़ की बर्फीली गाड़ियाँ जाती हैं, ये जो है इससे भी लोग जाते हैं क्या बोलते हैं झूले से, झूले वाली ट्रालियां से, लेकिन इस समय ट्रालियां बंद हैं, उसमें रिपेयरिंग का काम चला हुआ है। ये देखें जब आप टिटलिस से उतरेंगे, जुम्फ्रो की यात्रा जब आप करेंगे तो जुम्फ्रो के लिए भी कपड़े आपको पूरे लेने होंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लेने होंगे कपड़े। हाथ में ग्लव्स और कैप्स ना भूलें, और ब्लैक चश्मा आपको रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब बर्फ़ पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो आँखों में सीधा आ रही हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उस रोशनी को फेस करना, वो लगती हैं आँखों में। तो जब भी आइए ब्लैक और बढ़िया चश्मा लेकर के आइए, यहाँ पे आपको बड़ी ही आसानी होगी और बड़ा रोमांच आएगा। ये देखिए पूरा बर्फ से लदा हुआ ये पहाड़, और इसी के बीच से अपनी जाती हुई टॉय ट्रेन। और ये रोमांच को आपके और ज़्यादा ये बढ़ाता है जब गुफा आती हैं, और गुफा भी बहुत पड़ेंगी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खाइयाँ पड़ती हैं, तो आपके रोमांच को और भी बढ़ाता है। स्विट्जरलैंड में आप जब भी आएँ, स्विट्जरलैंड ड्रीम सिटी वैसे भी कहा जाता है, और अधिकांशतः लोग आते हैं तो या तो टिटलिस जाते हैं या जुम्फ्रो जाते हैं, लेकिन हम लोग जब आए तो 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद हम लोग टिटलिस और जुम्फ्रो दोनों की यात्रा का टिकट्स निकाले हमने। लगभग 150-149 यूरो के हैं, यानी इंडियन रुपीज़ में मैं आज की डेट में बात करूं, 25 नवंबर को ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो लगभग 12,000 रुपये की टिकट है। उसमें आपका आना जाना रेलवे से, आना जाना और वहाँ टोटल चीज़ें जो है सारी चीज़ें हैं जुम्फ्रो जाने की। ये देखें यदि आप जुम्फ्रो आ रहे हैं तो हम 6,000 फीट की ऊंचाई पे हैं, और यहाँ भी होटल्स आपको इजीली अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन ये इन होटल्स में बुकिंग कर सकते हैं, और जुम्फ्रो ऑन द वे ऑन जुम्फ्रो
यहाँ भी आप रुक सकते हैं और रुक करके यहाँ और ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ है यहाँ, बहुत बर्फ है यहाँ, और इंडिया से हमारे दोस्त भी बहुत आए हुए हैं। देखिए हमारे मित्र इंडिया से। देखिए यहाँ का रेलवे स्टेशन, वेलकम टू फोंडेकम द स्टूबिल। ये देखिए अभी नहीं, यहीं आप उतरेंगे और यहाँ से हम लोग जुंगफ्रू के लिए ट्रेन चेंज करेंगे। यहाँ हम लोग जुंगफ्रू के लिए, ये रेलवे स्टेशन और जुंगफ्रू के लिए अब 6000 फीट की ऊंचाई पे हम आ गए हैं और यहाँ से एक आगे की यात्रा हम तय करेंगे ट्रेन से। देखिए बर्फ पड़ी हुई है। जुंगफ्रू जाने के लिए हमने स्टेशन को चेंज किया है और स्टेशन चेंज करने के बाद हम देखिए आगे बढ़ रहे हैं। ये नए स्टेशन के साथ हम लोग जुंगफ्रू में आगे बढ़ चुके हैं और ये देखें जुंगफ्रू को, ये प्रकाश सूर्य का प्रकाश पड़ते हुए कुछ काम चल रहा है जुंगफ्रू में। ये गाड़ियाँ बर्फ पे चलने के लिए।